अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और हर जगह ही आपको अंबियां ही अंबियां नज़र आएंगी। इस बार ईद पर जब मैं गई थी अपने गांव, तो मैंने वहां से बहुत से अंबियां जमा कर लीं और मील टाइम में आपको मज़ेदार सी डिफरेंट अंबियों की रेसिपी मिलती रहेंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिया सीड लिए हैं, इसमें कुछ देर पानी डाल के रख देंगे ताकि ये स्वेलअप हो जाए। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 से 5 अंबियां ली हैं, जो मेरी फैमिली के लिए काफ़ी होगी। आप चाहें तो ज़्यादा ऐड ले सकते हैं और क्वांटिटी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इवन आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और यह आराम से महीना आपके चलेंगे। तो मैंने पील करने के बाद इसे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसमें मैं शुगर 1 कप ले रही हूँ और मैं यहाँ पर पिंक साल्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल रॉक साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 गिलास पानी डाल के इसे लो टू मीडियम फ्लेम में आपने पकाना है, तब तक जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ना हो जाए। अब ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे। जैसे ही ठंडा होगा इसे ब्लेंडर में डाल के आप ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आप इसे किसी भी बोतल में या फिर चाहें तो किसी बॉक्स में रख के स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए आप इसमें एक लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्योर फ्लेवर चाहिए था इसलिए इसमें मैंने कोई भी लेमन जूस ऐड नहीं किया। अब इसके असेंबल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप सिंपल इसमें पानी डालें या इसे स्प्राइट या कोई भी सोडा आप डाल के मोजीतो भी बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपके सामने बना रही हूँ। इसमें मैंने पहले हमारा अपना प्योरी डाली, चिया सीड और स्प्राइट ऐड कर ली। मज़ेदार सा आपका मोजीतो तैयार है। और अगर आप चाहते हैं तो आप सिंपल इसे पानी में भी बना सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो न्यू क्या सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहें। अगर आप बनाएं इसे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। साथ ही साथ इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, गर्मी के तौर का निजात भी है। तो मज़ेदार होने के साथ साथ इसके फ़ायदों से भी फ़ायदा उठाएं आप। थैंक यू। साथ ही आप अंबी से बना हुआ मज़ेदार अचार, जो क्रश अचार मैंने बनाया है, और अंबी की मज़ेदार सी चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ ही आई बटन में भी मेंशन कर देती हूँ। तो आप वो रेसिपी भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।